हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंगलोर राइटर्स में। आप भी अगर हमारा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में आता है नोटिफिकेशन बेल उसको भी दबा दो, ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ना दोस्तों सबसे पहले हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। और आज का जो राइड करने जा रहा दोस्तों कहाँ जाएंगे यार याद नहीं हो रहा, लेकिन रूम से निकलेंगे, निकलने के बाद ही हमें पता चल जाएगा क्योंकि रूम से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब निकलते हैं निकलने के बाद कहीं भी जाना है तो चौक हम आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने का मतलब ये है कि रूम से निकलने के बाद ही डिसाइड होता है कि जाएँ तो कहाँ जाएँ। एक बार साइकिल पकड़ लेते हैं उसका बाद निकलने के बाद डिसाइड करना हमारा काम है। और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहना, वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना बीच में, नहीं तो आपको कुछ नहीं देखने को मिल जाएगा ठीक है, और ना कुछ समझ में आएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखना शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों। दोस्तों चलिए हम बिना देर के हुए राइड को शुरू कर देते हैं। चलिए तो दोस्तों चलिए हम अपना मोबाइल को सेट कर लेते हैं पर मोबाइल का होल्डर में। और ये हमारा साइकिल देख सकते हैं दोस्तों, तो इसी साइकिल से हम मोटो ब्लॉक करते हैं। आप सभी को पता ही है हमारे पास ना कोई बाइक है ना कार है, लेकिन हम साइकिल से पूरा बेंगलोर घूम लेते हैं दोस्तों। मेन मेन सिटी तो यही साइकिल हमारा बहुत काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा हमें मदद किया है यार, क्योंकि जो एरिया हम कभी घूमे नहीं थे उस एरिया ये साइकिल हमें घुमाया है। अगर हम अगर बस या कोई बाइक को अगर बुक करते तो शायद हमारा आज तक 10,000 से ऊपर हो जाता, लेकिन एक 6,000 का साइकिल से हम पूरा बेंगलोर मतलब मेन मेन सिटी जितना भी है हम घूम चुके हैं। बस बड़ा बड़ा सिटी सब नहीं गए हैं, बड़ा बड़ा मतलब उधर मैसूर की तरफ कभी गए नहीं। जब बाइक होगा तो जाएंगे, क्योंकि उधर हाईवे एक्सप्रेस आता है पूरा NH जिसको बोलते हैं, मतलब हाईवे एक्सप्रेस NH नहीं है, हाईवे एक्सप्रेस है, तो उधर थोड़ा दूर भी पड़ता है और साइकिल में जाना मुश्किल भी है, इसलिए उधर नहीं जाते। जब बाइक हो जाएगा तो दोस्तों हम जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका इंद्रनगर के एरिया है, और जो ये बस सब जा रहा ना ये जा रहा आपका उधर SMBT के तरफ। जब सभी को पता है कि अभी न्यू रेलवे स्टेशन बेंगलोर में ओपन हुआ है, और मतलब वो स्टेशन पूरा हाई मतलब हाईटेक जिसको बोल सकते हैं कि एयरपोर्ट के जैसा बनाया गया है यार। आप कभी भी आएंगे ना SMBT तो आप देख लेना थोड़ा घूम घूम कर, भले आधा घंटा वेस्ट हो जाए परवाह नहीं, लेकिन आप आधा घंटा से वहाँ थोड़ा घूमिए इधर उधर आपको एयरपोर्ट वाला फील आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी हम नहीं जा रहे उधर, दूसरा हम इधर MG रोड का तरफ आ रहे हैं, कभी मौका मिलेगा जाएंगे देखेंगे। और ये देखिए दोस्तों इधर कौन कौन सा रोड किधर गया यार हमें, चलिए इसी रोड को हम पकड़ के चलते हैं। अच्छा है इधर का व्यू, लेकिन आज थोड़ा धूप नहीं है इसीलिए मतलब थोड़ा थोड़ा धूप है, ज़्यादा नहीं। एक बार धूप दे रहा तो एक बार मेघ आ रहा, बादल आप जो भी बोलते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा धूप से थोड़ा बचना भी होता है। और ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों इधर लेफ्ट साइड में पानी, अरे सड़क के किनारे में इस तरह से पानी होगा तो फिर राइडर का क्या होगा, ये बनाने वाला का गलती है क्योंकि इधर से भी बंद कर दिया है उधर से भी बंद कर दिया, जो रोड का पानी जाएगा कहाँ कहीं तो रोडे में ना रहेगा, उसका लिए खाली जगह छोड़ना चाहिए जहाँ पर थोड़ा डाउन है वो थोड़ा निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये जा रही है बस मैजेस्टिक,
लेकिन इसको ओवरटेक करने वाले थे लेकिन हम नहीं किए क्योंकि उसके पास रेस है यार। रेस दबा देगा तो हमसे भी आगे निकल जाए कि हाँ हम बीच में फंस जाएंगे। हम इधर साइड ही अच्छा है हमारा भाई, इधर साइड में धीरे धीरे करके चलते रहो। ये हो गया KSRCTC, जो लाल वाला बस होता है वो हो गया KSRTCC, और आगे वाला जो निकल के हो गया वो हो गया BMTC। तो दोस्तों इधर से फिर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं अब किधर जाना। नहीं कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल न्यू जगह आए हैं इधर घूमने के लिए, हमको पता है नहीं है इधर थोड़ा उतना। और ये हो गया आपका राइट साइड में गोल्ड टेम्पल, यार आप देख सकते हैं मजाक करें यार, मतलब गोल्ड का जैसा कलर है इसके लिए हमें ऐसे ही बोल दिए गोल्ड टेम्पल। ऐसे कहाँ खुला हम छोड़ देता है यार, आदमी सब चुरा लेते हैं लोग। ये हो गया आपका शिवाजनगर के आसपास हम पहुंच चुके हैं मान के चलिए, और थोड़ी देर में हम शिवाजीनगर पहुंचने वाले हैं। उधर जो राइट साइड को गया है उधर अगर जाते हैं तो उधर मजेस्टिक की तरफ हम जाते हैं दोस्तों, लेकिन हमें उधर जाना नहीं है अभी क्योंकि बहुत यार मजेस्टिक वाला मोटो ब्लॉक बना चुके हैं, तो उधर हमें जाने के लिए अभी मन भी नहीं करता, इतना सारा मोटो ब्लॉक बना दिए हैं उधर। आप जाके देखिएगा हमारा वीडियो सेक्शन में जाकर मजेस्टिक वाला मोटो ब्लॉक। और ये हो गया आपका शिवाजीनगर से हम जाएंगे बनारघाटा रोड से जाएंगे अपना रूम। ये हो गया आपका इधर राइट साइड में पुलिस स्टेशन है मान के चलिए, किस तरह से अंदर में पेड़ उड़ बहुत सारा है यार इधर, लेकिन हाँ इधर मैं एक चीज़ आपको बता दें, जब भी बारिश आता है दोस्तों पूरा साइलेंटली यार बारिश आता है मान को चल, साइलेंट से ना हवा देता है ना क्या बोलते उसको तूफान जैसा होता है ना आंधी तूफान, ऐसा कुछ नहीं होता इधर में, और ना बिजली गरजता है ना साउंड आता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों इधर। जब भी बारिश आता है साइलेंट में बारिश आता है, एक भी आपको एक मतलब कुछ सुनने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, बस बारिश आकर आवाज़ आता है झमझम झमझम बारिश होता है। तो दोस्तों आप लोग किस स्टेट से बोलते हैं आप हमें कमेंट कर देना, आपका स्टेट में किस तरह से कड़कता है बिजली। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि बस यहाँ बस जाने के लिए जगह है, उससे बड़ा जगह एरिया नहीं है, अगर हम भी उसका साथ जाते हैं तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम नहीं गए। नहीं हमको अगर हम आगे निकल जाते तो ये बस वाला भी रुक जाता क्योंकि वहाँ एक ही बस जाने के लिए कैपेसिटी है, इतना ही चौड़ा जगह है, उसे एक इंच भी इधर उधर हो जाएगा तो टकरा जाएगा, ऐसा ही रोड है वो वाला पूरा, थोड़ा सा मतलब एक बस जाने के लिए रोड दिया गया है। देखिए दोस्तों इधर रोड में पूरा पानी पानी है यार, मतलब एक दिन के बारिश में इस तरह से हुआ है। अगर बेंगलोर में जब बारिश का दिन आ जाता है ना तो हालत ख़राब हो जाता है यार बेंगलोर में, यहाँ बारिश का इतना होता है, बारिश इतना होता है ना। अब अरे राइडर एक हमसे भी एक आगे राइडर निकाल गया यार, मतलब साइकिल से राइड करने वाला बहुत सारा आदमी है। ये हो गया आपका मेट्रो स्टेशन, ये देखिए ये लेडी हेलमेट पकड़ के रखा है लेकिन हेलमेट नहीं पहना गया क्योंकि बाल खराब हो जाएगा, बाल बना के निकला है, कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं यार, और कुछ हो जाएगा तो सब पता चलेगा कि सोचेगा हेलमेट पकड़ के हमारा बेकार है। घर से जब भी निकलना है ना दोस्तों तो आप भी हेलमेट यूज करो यार, आपके सुरक्षा लिए है,
हेलमेट कोई भी हाथ में पकड़ने वाला चीज़ नहीं है, उसको माथा पर पहनने के लिए दिया जाता है सेफ्टी के लिए। और आप अगर उसको हाथ में पकड़ के रखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में कितना बड़ा मंदिर है यार, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। दोस्तों ये सिग्नल अभी खुलने वाला नहीं है, बहुत लेट लगता है इसे सिग्नल खुलने में, कि इसमें कुछ टाइम दिखाता ना कुछ होता है, बस इसमें सिग्नल के हिसाब से चलना पड़ता है। एक एक में टाइम दिखाता है, एक मिनट डेढ़ मिनट जितना भी से मिनट के हिसाब से चलता है। दोस्तों आज का राइड को हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर देना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।